केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान हादसा, पायलट दीपक साठे समेत 17 लोगों की मौत, सैकड़ों यात्री घायल। दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का विमान, लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर दो हिस्सों में टूटा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख, डीजीसीए ने दिया जांच का आदेश। महाराष्ट्र में महागाड़ी सरकार का बड़ा फैसला, सभी प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना पैनल से जोड़ने का निकाला फरमान। सरकार की दबिश से प्राइवेट अस्पतालों में हड़कंप, नहीं बनाना चाहते हैं कोविड केयर सेंटर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाज सुलभ कराने की पहल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड के बाद संगीन आरोपों में घिरी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ। ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मुंबई में शुक्रवार को 8 घंटों तक हुई पूछताछ। नवी मुंबई में खरीदी गई महंगी संपत्तियों की जांच के लिए भी पहुंची टीम, कई खुलासों की संभावना। महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किया करार। गांव से लेकर शहर तक हर छात्र को गूगल के वर्चुअल क्लासरूम से मिलेगी शिक्षा। महाराष्ट्र गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने वर्चुअल क्लासरूम को बताया मुसीबत में नया रास्ता। भारतीय रेलवे की पहली किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच शुरू हुई सेवा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया वर्चुअल उद्घाटन। किसानों को ध्यान में रखते हुए यह रेलगाड़ी दूध, फल, सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भवन का लोकार्पण। सीएम ने कहा, पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ चयन प्रक्रियाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता। नए चयन वर्ष में 2600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू, जल्द ही 3000 नए पदों पर प्रारंभ होगी कार्यवाही। उत्तराखंड के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद अब ई पोर्टल अमेजन पर बिकने के लिए तैयार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ई पोर्टल का शुभारंभ। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की समीक्षा बैठक में हुई लॉन्चिंग। राज्य के 150 उत्पादों की होगी ऑनलाइन बिक्री। मुख्यमंत्री रावत का विश्वास, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उद्योग जगत की भूमिका महत्वपूर्ण। अधिकारियों को दिया उद्योगों की समस्याओं को समयबद्धता के साथ निपटाने का निर्देश। तूफानी बारिश में टूटे नवीबई के जेएनपीटी बंदरगाह के 3 क्रेनों ने रोका पोर्ट का कामकाज। 200 करोड़ के नुकसान का अनुमान। दुर्घटना के बाद जेएन पोर्ट के 7 में से 5 क्रेनों पर असर। हालात सुधरने तक बंद रहेगा कामकाज, लेकिन प्राइवेट बंदरगाहों पर कंटेनर प्रहस्तन का कामकाज जारी। दिल्ली में अब बेघर मानसिक रोगियों की भी हो सकेगी कोरोना जांच। हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर मानवीय पहलू समझाया। आम जनों की तरह इन्हें भी मिलनी चाहिए उपचार सेवाएं। पहचान पत्र नहीं होने के कारण जांच और इलाज से वंचित थे बेघर मानसिक रोगी। बिहार में आम चुनाव को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने की चुनाव आयोग से अपील। कोरोना महामारी में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं मतदान। पार्टी महासचिव ने खत में दिया हवाला, प्लास्टिक और धातु पर कई दिनों तक सक्रिय रहता है कोरोना वायरस, बढ़ेगा संक्रमण। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।